बोला मेरी थोड़ी बता रहा हूँ थोड़ी पसंद है, मैं जल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। बार 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 ना सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपने प्रीव्यू तो देखा ही होगा। इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में एल्बम मिल जाएगी, आपके फ़ोन के सारे फोल्डर्स जो भी कोई होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे से आपको सिंपली ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट है उसे ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो थी वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए नीचे अगर साउंड होगी तो यहाँ पे से आप ले सकते हो। अगर किसी वीडियो में से आपको ऑडियो रिमूव करना है तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट पर चले जाना। एक्सट्रैक्ट में जाने के बाद आपको जो भी कोई वीडियो में से सॉन्ग को रिमूव करना है सिंपली उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट साउंड ओली पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसकी जो साउंड होगी वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इस वाली जो ऑडियो होगी इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर मैच कट वाली इफेक्ट पे चले जाना और इसे इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जूम कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर ये जो सॉन्ग है उसे यहाँ पर सुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे से जो बीट है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड बीट पे क्लिक कर देना। इसी तरीके से आपको सॉन्ग को सुन लेना और यहाँ पर सारे जो बीट्स मार्क यहाँ पर आपको लगा देने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो सारे बीट मार्क्स है वो मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाली जो आपकी ऑडियो होगी इससे इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बीट मार्क पर आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर इस ब्लैक वाले स्क्रीन पे क्लिक कर देना और इसे यहाँ पे से स्प्लिट कर देना और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पे से डिलीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट में आपको कैपकट की लोगो मिल जाएगी, ये वाली ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक कर देना और इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे चले जाना और सिंपली यहाँ पे एल्बम पे चले जाना और यहाँ पे से आपको फोटोज जिस भी किसी फोल्डर्स में होंगी वो वाली फोल्डर्स आपको यहाँ पे से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएगी, वीडियोज़ एंड फोटोज़। फ़ोटोज़ पे चले जाना और सिंपली यहाँ पे से आपको कोई भी फ़ोटोज़ चाहिए वो आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे से कुछ फ़ोटोज़ लोगों को ले लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको सभी जो फ़ोटोज़ है आपके उसको यहाँ पे बीट मार्क के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस बीट मार्क पर आ जाना है, यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर देना और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे आपके फ़ोटोज़ के उसको यहाँ पर से डिलीट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको जो सारे फ़ोटोज़ है उसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सभी फ़ोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे ओवरले वाली इफेक्ट्स मिल जाएगी, इस पर चले जाना है, प्लस पे चले जाना और यहाँ पर से सिंपली आपको ये देखिए यहाँ पर एल्बम पे चले जाना और यहाँ पे से ये देखिए ये वाली स्माइली वाली इफेक्ट्स को लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्प्लाइसेस का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पे से आपको फिल्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन वाली ये स्माइली वाली इमेज होगी इसे एक्सटेंड कर देना है आपको, यहाँ पर जहाँ तक ये ब्लैक वाली स्क्रीन है ना आपकी वहाँ तक आपको इसे एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन वाली इमोजी होगी इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे एनिमेशंस मिल जाएगा, इस पर चले जाना है, इन एनिमेशंस पे चले जाना और यहाँ पे से आपको ये स्विंग वाली ऑप्शन को लगा देनी है और यहाँ पर इसकी रेशियो आपको फुल कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। आपको स्माइलीज को छोटा करना है तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इन सभी फ़ोटोज़ को थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पर इस फोटो पे क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनिमेशंस पे चले जाना है, इन एनिमेशन में चले जाना
और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नीचे में देखिए आपको रॉक वर्टिकल वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी, रॉक वर्टिकल एंड रॉक हॉरिजेंटल वाली, ठीक है। तो आपको एक फ़ोटो में रॉक वर्टिकल वाली लगा देनी है और एक फ़ोटो में रॉक हॉरिजेंटल वाली। इसी तरीके से आपको ये दो अलग अलग इफेक्ट्स आपको अपने वीडियो में लगा देनी है सभी फ़ोटोज़ पे, ठीक है। ये फ़ोटो पे क्लिक करनी है और यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सभी फ़ोटोज़ में लगा देनी है, ठीक है। अगर ये वाली इफेक्ट्स में आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको नो इंटरनेट नो कनेक्शन वाली प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पे से आसानी से देख सकते हो कि कैसे आप नो इंटरनेट नो कनेक्शन वाली जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी जो सॉन्ग्स एंड मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पे से भी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सारे इफेक्ट्स फ़ोटोज़ में सारे इफेक्ट्स लगा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको किस भी फॉर्मेट में वीडियो बनानी है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कौन सी भी रेशियो में बनानी होगी, जैसे 1:1 रेशियो हो गया, 9:16 आपको फुल स्क्रीन बनाना है, तो इस हिसाब से आपको कोई भी रेशियो में वीडियो बनानी होगी वो रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको सभी फ़ोटोज़ लोगों को भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देनी और इस तरीके से जूम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सभी जो फ़ोटोज़ थे हमारे उसे यहाँ पर एडजस्ट कर चुके। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आपको जब भी ये फ़ोटो स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, इस पर चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको मूड में चले जाना। और यहाँ पर से आपको कोई भी लाइटिंग वाली इफ़ेक्ट्स अगर आपको लगाना है तो इस तरीके से आपको उस वाली जो इफ़ेक्ट होगी आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। फिर ये फ्लोरेसेंस वाली जो इफ़ेक्ट आपके वीडियो में लगी होगी उसे यहाँ पर एक्सटेंड कर देना अपने पूरे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देती हूँ, जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।